लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हिंदी सिनेमा में बहुत से कलाकारों ने छोटे लेकिन अहम किरदारों में अपने दमदार अभिनय और हास्य से छाप छोड़ी है। ऐसा ही एक नाम मशहूर कॉमेडियन गुड्डी मारुति का रहा है, जिन्होंने फिल्मों में हंसा हंसा कर दर्शकों के पेट में दर्द कर दिया था। हमेशा अपने लिए फिल्मों में एक अहम कॉमिक भूमिका रखने वाली गुड्डी को कौन नहीं जानता। दरअसल हिंदी सिनेमा में जितना रोल हीरो का होता है उतना ही फिल्म के कॉमेडियन का भी होता है। हीरो विलेन के बाद लोग कॉमेडियन के कारण फिल्म को देखते हैं। एक उम्दा कॉमेडियन किसी भी बोरिंग फिल्म में जान डाल देता है और बॉलीवुड में ऐसे काफी महान कॉमेडियन हैं जिनका काम हर किसी को हंसाना और मनोरंजन करना होता था, लेकिन आज वो इंडस्ट्री से गायब है। इसी के चलते आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडियन गुड्डी मारुति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय के द्वारा बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान बनाई। बता दें कि वे अभिनेत्री पहले से काफी बदल चुकी है और उन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दूल्हे राजा में असरानी की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आपको याद होगी। इंस्पेक्टर अजगर सिंह एक भ्रष्ट पुलिस वाला जो फ्री में ही लोगों का माल हड़प कर जाता था और इसका कारण उसकी पत्नी ही थी जो इस कार्य के लिए उसे प्रेरित करती थी, लेकिन बाद में गोविंदा उसे ऐसा सबक सिखाता है कि वह लोगों का माल फ्री में हड़पना भूल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुड्डी ने बॉलीवुड में काफी सारी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। गुड्डी की कॉमेडी बुजुर्गों से लेकर युवाओं के भी चेहरे पर मुस्कान लाती थी। हिंदी सिनेमा में उनका खास योगदान रहा है। कुछ फिल्मों में गुड्डी के किरदार दिलों पर छक गए। जैकी श्रॉफ की फिल्म दूध का कज़ में हरी भरी के किरदार से वे छक गई थीं।